हेलो गाइज, आपके अपने चैनल शेयर मार्केट स्टॉकर में आपका स्वागत है। सो गाइज, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहां पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करके जो भी आपकी क्वेरी हो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। आज की कंडीशन की बात करें तो गाइज, जब ये ओपनिंग हुई थी करीब करीब 43.5 रुपए के आसपास ओपनिंग हुई थी। एंड एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या अपडेट है लेटेस्ट, क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्या आप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, और क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या न्यूज है, क्या स्टेटमेंट है, पूरा डिस्कशन इस वीडियो के थ्रू करेंगे। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, तो आज एक लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज मिस कर जाएंगे। तो आज के हाई की बात करें 43.85 रुपये इसका आज का, ये लो की बात करें 41.35 रुपये इसका आज का लो। अगर बाउनिक हाई की बात करें तो 58.40 रुपये इसका बाउनिक हाई है। लो की बात करें तो 36.70 रुपये इसका बाउनिक लो है। अगर बात करें इसके मैक्सिमम की तो गाइस 125 रुपये के आसपास का हुआ करता था सितंबर 2018 में, और अभी एट प्रेजेंट आपको 41-42 रुपए के आसपास इसका फ्लक्चुएशन मार्केट में नजर आ रहा है। एंड अगर बात करें इसके एनालिसिस की तो आज के वॉल्यूम ट्रेड की बात करें तो यहां पर 3.5 लाख क्वांटिटी के आसपास वॉल्यूम जो कि बीएससी पे ट्रेड हुआ। एनएससी की बात करें तो यहां पर 34 लाख क्वांटिटी के आसपास वॉल्यूम जो कि एनएससी पे ट्रेड हुआ है। अगर बात करें इसके शॉर्ट एनालिसिस की तो 6 स्ट्रेंथ है, 6 वीकनेस है, 0 अपॉर्चुनिटीज है, 1 थ्रेट नजर आ रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये फेस वैल्यू है। अगर 20 दिन के अगर एवरेज वॉल्यूम ट्रेड की बात करें तो यहां पर 35.25 लाख क्वांटिटी वॉल्यूम जो कि 20 दिन से एवरेज ट्रेड हो रहा है। तो गाइस, यहां पर वॉल्यूम तो अच्छा खासा ऑफकोर्स जो कि ट्रेड हो रहा है यहां पर। अब देखते हैं इसके जो कि एट प्रेजेंट चल क्या रहा है, फाइनेंशियल क्या है। तो गाइस, यहां पर आज डंपिंग हुई है, नो डाउट यहां पर डंपिंग की गई है। एंड अगर बात करें इसके अलावा जो कि इसके इवन इसके फाइनेंशियल की बात करें, उससे पहले सेंटीमेंट ऑफ कोर्स जो कि इसका बाय करने का सेंटीमेंट अभी नजर आ रहा है 78% एंड 22% सेल करने का, 0% होल्ड करने का सेंटीमेंट इसमें नजर आ रहा है। एंड अगर बात करें इसके अलावा जो कि इसकी जो कि इवन जुलाई मंथ में काफ़ी सारी एक्विजिशन की गई थी इनसाइडर द्वारा, एक जो कि बड़ी बड़ी क्वान्टिटी एक्वायर की गई थी। SAST की बात करें तो अक्टूबर में यहां पर डिस्पोजल भी हुआ है। एंड इसके अलावा अगर बात करें इसके फाइनेंशियल की तो रेवेन्यू को देखें तो एक बड़ा जंप देखने को मिला है, 310 करोड़ का रेवेन्यू इसने जो कि अर्न इवन यहां पर शो किया है। एंड एक बड़ा जंप जो कि 100 करोड़ के आसपास जो कि इवन जंप देखने को मिला है। अगर बात करें ईयर ऑन ईयर तो करीब करीब डबल यहां पर जंप देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न किया है 14 करोड़ का। यहां से कंपैरिजन करें तो भी एक अच्छा खासा जंप है, अगर यहां से कंपैरिजन करें तो भी एक बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में भी सेम सिचुएशन है जो कि नेट प्रॉफिट की है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें शेयर होल्डिंग की तो यहां पर एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि बड़े इन्वेस्टर ऑफकोर्स यहां पर ऑलरेडी एंटर्ड है इसमें। एंड आदर्श की बात करें तो यहां पर 3 क्वार्टर से आदर्श की होल्डिंग बिल्कुल मेंटेन है। प्रोमोटर की बात करें तो यहां पर जो कि प्लेज है वो बिल्कुल फ्लश आउट हो चुका है, कोई इस पे प्लेज नहीं है। FII की होल्डिंग है वो सितंबर क्वार्टर में इंक्रीज हुई है, इट मींस कि यहां पर बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी अभी जो कि इवन बना हुआ है। एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहां पर 2 क्वार्टर से बिल्कुल स्टेबल है होल्डिंग 0.03% के साथ। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग में डाउनफॉल देखने को मिला है सितंबर क्वार्टर में, एंड ये होल्डिंग यहां पर आके बन गई है। एंड अगर बात करें इसके अलावा जो कि इवन म्यूचुअल फंड की तो होल्डिंग जो कि 0.03% के साथ बिल्कुल स्टेबल है। एंड FII ने होल्डिंग को इंक्रीज किया है। एंड एक चीज आपको नोटिस करने को मिलेगी कि यहां पर जो प्लेज तो जीरो हो गया है बट यहां पर होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है 32.33% से, हर क्वार्टर में होल्डिंग डिक्रीज होते हुए 31.07% के साथ ही बची हुई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स जो कि डिविडेंड भी दिया था, इट मींस कि यहां पर एक कुल मिला के एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी एट प्रेजेंट आपके पास है। ऑफ कोर्स गाइज, इस प्राइस में आप ले सकते हैं। एंड शॉर्ट टर्म की बात करें तो गाइज, कुछ टाइम के बाद एक से 1.5 महीने या 2 महीने के बाद आपको 50 रुपए के आसपास तो ये फ्लक्चुएट होते हुए दिख ही जाएगा। तो गाइज, ऑफ कोर्स डायरेक्ट आपको 5 से 10 रुपए का डिफरेंस सीधा सीधा आपके पोर्टफोलियो में मिल रहा है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल रहा है। अगर आप 10 रुपए का डिफरेंस लगाएं, 500 शेयर लें तो ऑफ कोर्स गाइस डायरेक्टली 5000 रुपए आपके इवन प्रॉफिट के डायरेक्ट आपके आपको मिल रहे हैं। इतना आपको एक FD में भी नहीं मिलता होगा इतने कम टाइम में। तो गाइस, अगर बात करें इसके डिविडेंड की तो डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने सितंबर 2021 में 0.05% के साथ।
एंड अगर बात करें इसके इसका जो एक स्टेटमेंट भी आया था, शॉर्ट टर्म एक्सप्रेस सेटलमेंट बिजनेस टू क्रॉस $1 बिलियन बाय एंड ऑफ फिजिकल। सो गाइज यहां पर एक अच्छा खासा इवन एक स्टेटमेंट भी आया है, इन्फीबी एवेन्यू एक्सपेक्ट लैंडिंग बिजनेस टू फ्यूल फ्यूचर ग्रोथ। सो गाइज 30 अक्टूबर को ये एक जबरदस्त स्टेटमेंट आया है। एंड गाइज जिस तरीके की जो अभी सिचुएशन है, ऑफकोर्स गाइज यहाँ पर प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं, बट सिचुएशन काफ़ी बेहतरीन है और आपको अभी जो कि बिल्कुल लोअर प्राइस में ये आपको मिल रहा है। इट मीन्स कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, यहाँ से ऊपर ही जा सकता है, नीचे जाने के चांस काफ़ी मिनिमम है, हो सकता है नीचे भी चला जाए क्योंकि मार्केट की आज की बात करें तो आज भी 1600 से 1700 पॉइंट डाउन थी मार्केट। एंड गाइज ऑफकोर्स जो कि मार्केट ऑलरेडी पीक पर है तो कुछ भी हो सकता है, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो गाइज वो भी ध्यान में रख कर ही हमें ये बाय करना चाहिए, नो डाउट कि एक अच्छा प्रॉफिट आपको नियर फ्यूचर दे सकता है। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज टेक केयर, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।